दो की मांगे बड़ा छोर है बड़ी बाउंड्री साहब बड़ा शाही सा हो रहा था कि आप मेरी बात तो सुनते ही नहीं हो कभी भी, आप मेरी मानते नहीं हो कभी भी, आप किसी भी चीज में मेरा ओपिनियन नहीं लेते। I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। आज हम आए सिटी पार्क कोटा, जो कि अभी अभी बनाया थोड़े दिनों पहले, और काफ़ी मस्त जगह है, तो आज इसी को एक्सप्लोर करेंगे। मेरी मम्मी भी आई है, ये भी आया है, रुद्र भी आया है, मुकेश भी अभी आया है, और लक्की भी अभी आए। तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को लाइक कर देना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना और शेयर कर देना वीडियो को। हम बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं इसमें, क्या क्या घूमते हैं, कैसे कैसे शॉर्ट्स लेते हैं, तो बने रहें वीडियो में अंत तक। और अब हम जा रहे हैं एमपी थिएटर की तरफ, जो कि राइट में है, और यहीं पर ही वर्ल्ड कप के मैचेस भी चल रहे हैं वर्ल्ड कप के मैचेस भी चल रहे हैं, जो चल के बताता हूँ मैं आपको। खांसी हो गई यार। सर्वाइवल के लिए खेलेंगे तो कभी भी बॉल आउटसाइड एज ले सकते हैं। यहाँ पे अगर 20-30 रन जोड़ते हैं तो शायद कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकता है। क्या साउंड आ रहा है यार यहाँ पे, क्या ही साउंड आ रहा है। मुक्का मार के हो गया इनका काम भाई, मुक्का मारने पे बड़ी बाउंड्री। यहाँ पे तो फील्डर को भागना पड़ता है बॉल के पीछे काफी, तो सही तरीका है, चौका लगाया उसके बाद ये दो रन ले लिए, तो ऐसे मोमेंटम को आगे बढ़ाना होगा। रनवेट में अभी बराबरी नहीं, इसीलिए पॉइंट्स टेबल पे आगे पीछे, कल पॉइंट्स पे आगे पीछे जाएंगे। हमारे हिसाब से बनाएंगे, मतलब लक्की बाबा और घूमते रहेंगे और हम हमारे हिसाब से बनाते रहेंगे, क्योंकि इसमें दिक्कत होती है यार, वो कहीं और निकलना चाह रहे थे, हमें कहीं और रुकना रहता है ना, तो अब हम पूरे सेफ रेडी हो रहे हैं और हिसाब से बना लेंगे। अब मसाला बिस्त्रो, मसाला से समझ ही गए होंगे खाने पीने की जगह है। खाओ पियो मस्त रहो, ऐश करो जिंदगी में, और रखा ही क्या है, रखा तो बहुत कुछ है पर अभी खाना ही रखा है। तो यहाँ पर आकर आप खाना खा सकते हो, हम खा के आ चुके हैं इसलिए हमें भूख नहीं लग रही, तो हम नहीं जा रहे वाले। अब जो ये है ना, इसमें ये चलाते हैं बोट, मतलब दो तीन बोट चलाते हैं जो कि पेड है, मतलब पैसे दो और बैठो फ्री, तो ओनली फॉर अमीर गाइस, ओनली फॉर अमीर, क्योंकि अपन तो गरीब है। और बोट बोट बोट, और वो बोट निकल गई भाई, ये देखो ऐसे बोट चलाते हैं ये। और ये फाउंटेन जो भी चलेगा, ये कलरफुल फाउंटेन है जो भी चलने वाला है, तो देखना अभी जैसे ये स्टार्ट होता है, कल नहीं, कल नहीं होएगा, हो गया ये। फिर बैठ देखो यहाँ पे खाने पीने का सुधना इतना बढ़िया कर रखा है, हम मेरा काम है खाने पीने का सुधना इतना बढ़िया कर रखा, मतलब एक 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 बेंच है। और यहाँ म्यूजिक भी सुनाई में आ रहा होगा आपको, पीछे है म्यूजिक मेरे बज रहा है, बहुत तेज बोलना पड़ रहा है, और भाई साहब फोटो खींचा जा रहा है ये कोटा की जनता का सबसे बड़ा सवाल कि अंडा कब फूटेगा, तो ये फूट गया, मतलब उद्घाटन हो गया तो फूट गया ऑब्वियसली। हाँ अब देखो, जो बात मेरे को बोलनी थी वो बात ये है कि यहाँ पे लाइटनिंग एक नंबर कर रखी इन्होंने, मतलब वीडियोस के लिए रात में सही नहीं है, बट सॉफ्ट लाइट्स है,
जो कि है मतलब बढ़िया ही है। सॉफ्ट लाइट्स अच्छी लगती है, ज़्यादा दिमाग पे लोड देती नहीं है, मुझे मस्त लोफाई वाली वाइब चलती रहती है, बढ़िया लगता है बस। तो यहाँ पे जस्ट पीछे थोड़ी सी एक ढलान है छोटी सी, वहाँ से तो हम चढ़ ली, पर यहाँ पर एक अंकल जी है गाड़ी खड़े ऊपर ये रहे, हमने इनसे पूछा हम इस पर चढ़ जाएं, मतलब ब्लॉग में बताते हम कि चढ़ पाते नहीं चढ़ पाते क्योंकि ये सीधी है थोड़ी सी, पर इन्होंने नहीं थोड़ा सा भी नहीं चढ़ सकते, कदम भी नहीं रख सकते। अरे भाई साहब कोई नहीं, आगे का देखो मजा आएगा। तो अब करते हैं डिटेल्स की बात। तो ये जो कोटा सिटी पार्क है ना, ये 71 एकड़ ज़मीन पे फैला हुआ है, 120 करोड़ में बना है पूरा, और इसके 100% एरिया में जो हम पढ़ रहे हैं ना, जिसमें 72% पे तो ये ग्रीन जोन है, मतलब जिसमें तो इन्होंने क्या उगा रखा है, पेड़ पौधे वगैरह ये सारी चीज़ें उगा रखी है। उसके बाद जितना भी बसता है ना, ये सब स्कल्पचर्स वगैरह ये और पॉन्ड्स भी है ना, पॉन्ड्स वगैरह ये लेक्स वगैरह है, इन्होंने कवर कर रखा है, यानी 72% एरिया कवर है किनके द्वारा, इनके द्वारा, पेड़ पौधे वगैरह ग्रीनरी के द्वारा, वेजिटेशन के द्वारा। अब देख लो तुम यार भाई, इसका जो इफेक्ट है ना, मैंने पढ़ा भी था एक जगह पे, इसका जो इफेक्ट है ना, इसके आसपास के रेडियस तक में फैला हुआ है 5-5, 6-6 किलोमीटर के एरिया में, कि वहाँ की ऑक्सीजन प्योर है और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी कम ही रहता है। मत कर, तो ये सीन है, मतलब एक एक तरीके से कितना ज़्यादा सही है पेड़ पौधों का होना, वो ये पार्क बता रहा है कि नहीं, अगर आपके दूर, आपके 5 किलोमीटर दूर एरिया में भी अगर इतने ज़्यादा पेड़ उगाए जा रहे हैं तो तुम्हारे तक भी इफेक्ट पहुँचेगा उसका। तो ये अपने को भी समझना चाहिए, पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, फोकट पेड़ नहीं काटने चाहिए और उगाना चाहिए जितना हो सके उतना। तो यही है, जितना हो सके पेपर सेव करो, पेपर सेव करने से पेड़ बचेंगे, अगर अपन स्टूडेंट हैं तो, मतलब मैं तो स्टूडेंट ही हूँ तो मैं तो मेरे तरीके से बताऊँगा ना कि क्या है, तो पेपर सेव करो, पेपर बिगाड़ो मत। आपके ब्लॉगर भाई राघव आर भी आएंगे। आओ भाई। साहब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ओ भाई लगी, पहले भाई लगी 2 मिनट। लेटेस्ट अपडेट ये है कि बहुत अच्छे तरीके से पाँव मुड़ चुका है, अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी जिंदगी में। ले भाई देखो, बोलो क्या। अच्छा अब इनके पाँव की थोड़ी सी उंगले खींच देते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे का लोग का क्या होता है। भाई है वो सीन, इस वजह से गिराऊंगा। गिरा नहीं हूँ, मतलब मेरा पैर मुड़ा है इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे पत्थर आ गया और वो यूं हुआ, तो मेरी बॉडी तो आ गई और पाँव पीछे। कोई बात नहीं, आई जस्ट स्लिप्ड। पर व्लॉग बनाएंगे भाई, व्लॉग बनाएंगे भाई। कैसा लग रहा है, एक बार और कूद क्या होने वहां से। नहीं यार चलने में भी नहीं आ रही, दौड़ने में आ रही है ना। हाँ तो क्रिकेट बंद है भाई, मैं नहीं दौड़ूंगा। क्यों सही चलता है ये, मतलब चलता है ये, मतलब यहाँ पर चलती है, अमीरों के लिए, अमीरों के लिए। अपने लिए ऐसा है कि अपन चलेंगे पैदल और फिर मुड़वा लेंगे पाँव, पर पता नहीं क्यों मेरे को दर्द नहीं हो रहा पाँव में दर्द नहीं हो रहा, चलने पर नहीं हो रहा, भगने पर जरूर होएगा, इसलिए मैं अब एक हफ्ते तक भगूंगा ही नहीं, मैं अगले संडे सीधा क्रिकेट खेलने जाऊँगा। हेलो गाइस, अगले संडे सीधे क्रिकेट खेलने जाऊंगा मैं। मतलब इस दुनिया में अच्छे लोग हैं सच में, जो लोग कहते हैं ना कि सारे लोग ऐसे हैं वैसे हैं, नहीं, इस दुनिया में अच्छे लोग हैं, अगर आप अच्छे हैं, अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं तो यू विल फाइंड द राइट पर्संस, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल लॉ भी कहता है, लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। देखो बोलीबा तो रहेगा काफ़ी पीछे, और अब मैं आया हूँ, आते आते अब हमको डकपोंड दिखेगा और इस हिसाब से अब हम डकपोंड में जाएंगे और ये आगे टाना। पहले तो लग रही थी भाई, लेकिन अभी मैं इधर आया ना, लोग इस वीडियो स्टार्ट करके तो भगते भगते आ गए। तो ये डकपोंड पार्क शटल सर्विस स्टेशन, यहाँ जहाँ जहाँ रेड रेड दिखेगा वो नेचर ट्रेल है, यानी आप नेचुरल ट्रेल कर सकते हो, प्राकृतिक रूप से चल सकते हो आसपास, ग्रीन वॉक, केनाल, ये ब्लू वाली सारी एंट्री यहाँ पर है इसकी, और एग्जिट भी यहीं पर ही, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, एक ही जगह है। की हाईलाइट्स क्या है, मतलब मेन चीज़ें क्या है, आप यहाँ पर डक पाउंड है, बम्बू गार्डन, गजेबो, रॉक स्ट्रीम, ग्रीन अर्थ माउंट, रॉक ट्रेल, मसाल ब्रिस्टो, ये खाने वाला अपन ने देख लिया, और ये बोटिंग डेक 3,
यहाँ से बैठ सकते हो आप बोट्स में। चले आ जा। तो मत करना। क्या करना नहीं करने की बात हो रही भाई। ये है कॉल। बोलू मैंने बोला कि कल कॉल करता हूँ कि नहीं हिसाब से। अरे बात क्या हुई थी कि इधर पीछे की तरफ एक कपल था पूरा का पूरा, और एक और पर्सन आया होगा उनके साथ। अब वो लड़का फोटो खिंचाने के लिए बड़ा शाय शाय सा हो रहा था कि आप मेरी बात तो सुनते ही नहीं हो कभी भी, आप मेरी मानते नहीं हो कभी भी, आप किसी भी चीज़ में मेरा ओपिनियन नहीं लेते, लड़ गए भाई साहब। और फिर उसके बाद गोलू भैया को याद आ गई उनकी। क्या कुछ भी कुछ भी। सो मेनी वालूस भाई, एक दो तीन चार, पैसा वैसा दो क्या भाई? और ये अपने जिराफ हो, और ये क्या है भाई? इसी के साथ रहूंगा यार। इसी के साथ रहोगे? नाइस बॉडी यू आर। नाक में कहीं उंगली डाल रहे हो? नाइस बॉडी। और रुद्र पता है रुद्र ऐसे ही करता है, जब भी किसी को दिन बैठता है ना वो सीधा जाता है सीधे गाल पर। और ये है ब्रह्मांड, मतलब ब्रह्मांड नहीं, ये तो पृथ्वी है जो हाथ के गोले पे घूम रही है। ये उस दिन तो घूम रही थी रे, अभी बंद करा दी इन्होंने। ये उस दिन घूम रही थी मस्त जगह तरीके से। तो भाई मतलब ये जो व्लॉग है हम दूसरी बार शूट कर रहे हैं, क्योंकि अब जब हम एक बार पहले आए थे तब मैंने लकी बैग फोन से शूट किया था, और तब अपने पास आईफोन था नहीं। तो तब किया था ना, तब भैया इतनी भयंकर गर्मी थी और हम धूप में आए थे, तो गर्मी होने की वजह से ऐसी की तैसी हो गई दिमाग की भी और फोन की भी। फ़ोन ने शूट करना ही बंद कर दिया कि मैं नहीं करूं, तुम तुम्हारी जानो। तो हमने भी हमारी जान ली, आधा सा शूट करके हम निकल गए कि भाई जैसा तैसा जो भी बनेगा हम बना देंगे। और वो हमने दिन में किया था। फिर उसके बाद लक्की भाई के फ़ोन में हुई दिक्कत, वो रिस्टार्ट, वो क्या बोलते उसमें लाइन आ गई। वन प्लस वालों ने किया था, अभी सभी के साथ किया उन्होंने नए फ़ोन बेचने के लिए। तो लक्की भाई के फ़ोन में भी आ गई। लक्की भाई सेंटर गए, लक्की भाई को बोला कि इसको रीसेट करना पड़ेगा पहले, तो रीसेट किया तब भी नहीं हटी वो, तो रीसेट करते वो डाटा भी गया। तो वो ब्लॉग तो ख़त्म। अब ये जो ब्लॉग है ये है, ये जो बना रहे हैं हम, ये रहा, ये यहीं पे मिलेंगे भी लक्की पे और भी। और ये यूनिवर्स घूमता हुआ, सूरज घूम रहा है, जुपिटर यूरेनस वगैरह सब घूम रहे हैं, बस इनके शेप बदलते जा रहे हैं, बाकी तो सब ठीक है। शीश महल, हमने उन भैया से बात की जो यहाँ पे गार्ड थे शीश महल के, देन ही सेड दैट कि उनका टाइम जो है ना ड्यूटी का वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है, मतलब 11 से 11 का टाइम बहुत गलत है। सुबह 11 बजे आते हैं, रात को 11 बजे जाते हैं, 11:30 बजे तक रूम पे पहुँचते हैं, सब्जी वब्जी काटते हैं बनाते हैं, 12:30 बज जाते हैं, रात के 1 बजे तक खाना खा के निमटते हैं, आधे घंटे से फ़ोन चलाते हैं, 1:30-2 बजे सो जाते हैं, और कहते हैं कि फिर मैं यार 6-7 घंटे तो सोऊंगा इसे ही ना, दिन भर यहाँ मेहनत करता हूँ, तो 9-10 बजे तक वो उठते हैं, फिर खाना बनाना रहता है, नहाना रहता है, और 1 घंटे में यहाँ पहुँचना रहता है। कैसे करता है इंसान, ये उनकी दुविधा थी। क्या क्या कराती है भाई ज़िंदगी? ज़िंदगी के मज़े ही तगड़े हैं भाई। सफ़र इज़ ओनली सफ़र, और सफ़र करना चाहिए हर एक इंसान को, मैं तो जानता हूँ, तभी तो वो सीखता है। बट कभी ना कभी, कभी कभी ज़िंदगी इतनी हार्श हो जाती है ना कि अपन उसको मज़े में नहीं ले सकते हैं। जैसे मैंने देखी है बहुत सो की भी हार्श होते हुए बहुत टफ हो जाती है, अपन बस कुछ नहीं बोल सकते, इवन वी कांट कॉन्डोलेंस देम, नहीं मन करता कि इसको क्या बोलें जाके, कोई नहीं, पर सही है जो भी है। सही चलता है जो भी है। वीडियो हो चुकी है पूरी, इतना ही था जो भी था यहाँ पे। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। ये पार्क दिखा चुका हूँ मैं, अब यहाँ पे जब तक कुछ नया हो नहीं जाता तो मैं व्लॉग बनाऊंगा नहीं, तो शॉर्ट सब जरूर आ सकते हैं यहाँ से। तो तब तक मिलते हैं अगले व्लॉग में, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, तो इसको फॉलो कर लेना ज़रूर, वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ रील वगैरह, डालता ही हूँ। हाँ तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।